तो आज मैं नाश्ते में सैंडविच बना रही थी, और मेरी बहन को जो है सैंडविच बहुत पसंद भी है, और कभी कभी चेंज भी हो जाता है। हम भी रोज़ाना ब्रेड खाते हैं, तो आज मैंने आलू अंडे सब दे करके सैंडविच बनाया ताकि सब बच्चे भी अच्छे से खा सके और मैं भी कुछ चेंज कर लूँ अपने लिए भी, तो सबों को पसंद भी आया और सबने अच्छे से खाया भी है नाश्ता। अस्सलामुअलैकुम, सुनम लाइका फैमिली ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अच्छे होंगे और आपकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। और अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं सिस्टर के साथ, आज तो वो हमारे साथ ही आई, और अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं थोड़ा काम से, तो उसके बाद आके आपसे मिलते हैं। आज ब्लॉग स्टार्ट करने में भी काफ़ी लेट हो गया है और हम लोग चल रहे हैं चीज़ें लेनी है वहाँ से। हम तो गए थे वहाँ पे गिफ्ट का सामान, कुछ गिफ्ट लेना था हमें, लेकिन हम जो चाह रहे थे वो हमें मिला नहीं। तो फिर रास्ते में एक केक का शॉप मिल गया, वहाँ से हमने पैटीज लिया और ये केक लिया है, जिसे देख के बच्चे तो खुश हो गए और अनम जो है वो बोल रही है, केक देख के तो बोल रही है आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। उसको भी केक देंगे, जोया बाबू को भी केक खिलाओ, आज अनम का हैप्पी बर्थडे है। हाँ अम्मा वो अम्मा की बगैर नहीं खाएगा, वो चला गया अम्मा के पास। और अनम तो हैप्पी बर्थडे टू यू बोल ही नहीं रही है। टू यू। और मलाइका देखो अकेले अकेले खा रही है, मम्मी को भी नहीं खिला रही है। आंटी आपको तो चॉकलेट भी खिलाएगी, बाहर भी ले जाएगी, रहो। आने की खुशी भी होती है और जब जाते हैं तो थोड़ा मन भी उदासी भी लगती है कि अरे और रह जाते और रह जाते, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। दोनों में के थोड़ा अपसेट हो रही है, कुछ होने नहीं है, अभी फिर आंटी आएंगे, बोल के गई हैं कि हम फिर से आएंगे तुम लोग हैं, लेकिन क्या करें अब, उनको जब छुट्टी मिलती, छोटे छोटे बच्चे हैं ना बेटा, उनको कितना लेके निकलेंगे। आंटी लॉकडाउन से पहले आई थी। हाँ लॉकडाउन में आई थी और अब आ रही है, कोई बात नहीं, आंटी वादा करके गई है कि फिर आएंगे तुम लोग के पास। अरे आएंगे ना फिर खेलना तुम लोग। ठीक है हम चलेंगे किसी टाइम आंटी के, ठीक है।
तुमको बुलाना है? नहीं, आज तो आंटी कहेंगे, फिर हम कल क्यों जाएंगे? नहीं, कल जाना है। नो 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 नो। और ये देखिए, ये लोग दोनों को पढ़े बिठाया, ये लोग तो पढ़ने भी नहीं मांग रहे थे कि नहीं मम्मी आज रहने दीजिए ना, एकदम अपसेट लग रहा है मन, इसलिए आज रहने दीजिए। लेकिन ये लोग दोनों को मेरे पढ़ने बिठाया कि नहीं थोड़ा बहुत भी पढ़ लो। और मलाय क्या क्या करी हो, क्या पीना है, क्या क्या मैं बताओ, क्या जूस पीना है? अच्छा, आज इसके पापा ने लेके आया इसके लिए जूस, तो वही अभी से पीना है वो। पहले पढ़ लो फिर देंगे। अभी तो पढ़ने बैठा है तुमने, जरा तुम्हें भी चाहिए। अच्छा ठीक है, पढ़ो मैं ला के देती हूँ। पढ़ने बैठाओ इन्हों की बस यही है, मम्मी ये दे दीजिए ना, मम्मी वो दे दीजिए ना, तब मैं थोड़ा पढ़ लूंगी मम्मी। तो इन लोग का चलता रहेगा वैसे ही। तो अभी देखिए, बिगर पढ़े लिए जोया मलाइका, जोया तो फिर भी कम है, मलाइका तो मानने वाली नहीं। इसलिए उसको चाहिए वो चीज। सही ले लो बेटा, सारे कपड़े उतार लेती हूँ क्योंकि सारे कपड़े अब सूख चुके हैं, और अगर अभी टाइम मिला तो अभी सरियाऊंगी, नहीं तो फिर कल सुबह सरिया लूंगी। ये भी देखिए थोड़ा गीले ही लग रहे हैं, भीगा हुआ है पूरा, फिर सब भी गीला ही है, झाड़ी में लगता है कपड़े बहुत देर से सूखे हैं, इसलिए अभी लग नहीं रहा है कि पूरा का पूरा कपड़ा सूखा है। और ये सारे कपड़े कौन सरियाएगा भाई, बता दीजिए। जोया या मलाइका? आज मलाइका सिर्फ सारे कपड़े सरियाते हैं। जोया तो मेरी हेल्प करती है, मलाइका आज मलाइका मेरे साथ कपड़े सरियाएगी, ठीक है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं। क्यों? मुझे नहीं, मम्मी हेल्प नहीं करना तुम्हें? मैं आपका पूरा चीज कर लूंगी, लेकिन किचन सफाई और ये सफाई नहीं होगा। किचन तो मैं आपको बोलूंगी, अभी तो आप बहुत छोटे हो, लेकिन कपड़े तो सिला सकते हैं हम लोग। कल दे ना, जब होता है वही सिला। अच्छा अभी आज तो नहीं हो पाएगा, आज तो अभी तुम पढ़ी रही हो, उसके बाद कल सुबह सिला लेंगे हम लोग। मम्मी कल 26 जनवरी, आप कहीं घूमने लेके चलिए ना, और हम लोग को पसंद दिया कुछ चीज करिए। अच्छा तो वो कल देखेंगे कि कल क्या कर सकते हैं हम। आज जगह से विश है ना, आप कहीं लेके चले, कल लेके चलिए। अच्छा कल देखेंगे कल क्या कर सकते हैं हम, पर तुमको कल सुबह कपड़े सरियाने पड़ेंगे मेरे साथ। ये सब चलने वाला नहीं है। मजाक उड़ा रही तुम्हारा अज्जा। ये सब हम और मलाइका कल सुबह कपड़ा सरिया लेंगे, है ना बेटा? है ना, आदम ने एक पे और आप पूरा। वाह कितनी चालाकी ना, बहुत चालाकी। तो हम लोग रात का खाना खा रहे हैं, और मलाइका जो है वो तो चावल खाने की इतनी शौकीन है कि अगर आप उसे 3 टाइम भी चावल दिए ना, तो वो तीनों टाइम ही चावल खाने मांगती है। इसलिए देखिए रात में भी वो चावल खा रही है, रोटी बड़ी तो बिल्कुल खाने नहीं मांगता। तो आज देखिए मलाइका काफ़ी सैड भी दिख रही है, और कल रात जो है हम लोग बहुत लेट में सो पाए, क्योंकि जो मेरी सिस्टर का जो बेटा था वो बहुत चिल्ला रहा था, फ्रेंड बहुत चिल्ला रहा था, और इतना रो ऐसे आग बंद करके रो रहा था। पता नहीं क्या हुआ था उसको, शायद नजर लग गई ना क्या हुआ, वो नींद में उठ उठ के रो रहा था। तो इसलिए कल ना हम लोग बोले कि आज हम लोग एक ही साथ आंटी के साथ सोते हैं, और मलाइका जो है खूब बहुत शौक से गई सोने के लिए, लेकिन फिर क्या हुआ जब रोने लगा ना, तो बड़ी मम्मी और मैं यहाँ पे नहीं सोऊंगी मम्मी, और मुझे नींद नहीं आ रही, मैं अब जा रही हूँ दूसरे रूम में। तो ये मलाइका बहुत रात तक फिर भी जागी है, 2 बजे रात तक मलाइका जागी है, 3 बजे तक, क्योंकि वो उठ उठ के रो रहा था, 5 मिनट सो रहा था, उसके बाद फिर उठ जा रहा था रो रहा था।
तो बच्चा बहुत कल परेशान खुद भी हुआ है और मैं मलाइका सब जाके गए, तो आज का ब्लॉग हम यही पे एंड करेंगे। और आप चैनल में नए प्लीज आप लोग को तो अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अच्छा लगा हम लोग का ब्लॉग तो कमेंट करिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और आप लोग भी अच्छे से रहिए, और हम भी अब सोने जाते हैं, और कल सुबह मिलेंगे एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और बाहर नहीं जाइएगा तो बाय बाय। और ये मलाइका बोल रही बाहर नहीं जाइएगा और इसे जा रहा है बाहर। बाय। अल्लाह हाफिज। और बस पहन के कभी बाहर निकल।